बुलाने का मकसद यही है कि जो मालवनी में हादसा हुआ जिसमें अभी तक 102 लोग मारे गए, कितने लोग मारे गए? 102 लोग मारे गए उसमें। तो ये किससे क्यों मरे? तो जो लोग शराब पिए, जो गावटी शराब बोलते हैं ना, तो ये नहीं समझना कि खाली गावटी शराब से ही लोग मर रहे। जैसे कि कई लोग देशी दारू, संतरा लिखते ना, संतरा वितरा, मैं तो कोई नशा नहीं करता हूँ, लेकिन उसमें संतरा लिखा रहता है 50 रुपए कितना कीमत। तो जो घर में लाकर बेचते हैं तो फायदे के लिए उसमें मिलावट कर सकते हैं। अरे समझे कि नहीं समझा? जो शराब पीने वाला है वो मूड में रहता है, उसको मालूम नहीं रहता है। तो ऐसा अपने एरिया में अगर कोई बेच रहा है, नहीं समझे, तो फौरन हमको कॉल करना है, हमको इन्फॉर्मेशन देना है। मैं मेरा ये बोलने के बाद मैं मेरा नंबर दूंगा, मोबाइल नंबर, ताकि अपने इधर अपना संतोष नगर कम से कम एरिया में, मैं ये बीट का ऑफिसर हूँ, मेरे को लगता है कि मेरा एरिया साफ सुथरा रहे, कोई नशा पानी ना करे, कोई भी इस नशे से कोई हादसे में ना गुजरे। अरे समझते कि नहीं समझता है? अरे अपन लोग भाई है, ये 3 स्टार, इसका कोई मैं कोई सिंगम निगम नहीं हूँ, मैं एक आम ऑफिसर हूँ। अरे समझे कि नहीं समझे? एक आम ऑफिसर हूँ भाई, फोटो खींचना चल रहा है, ये मत करो, वीडियो शूटिंग वाली टेंशन ना हो। देखो तो यहाँ मैं कोई बड़ा साहब या कोई ऐसा मत समझना, आई एम लोअर ऑफिसर, मैं ये बीट का ऑफिसर हूँ। तो मेरा काम है कायदा सुव्यवस्था, अपने एरिया में कोई मारामारी ना हो। जैसा ये हुआ परसों, तो मेरा नाक कट गई, अगर किसी को मारने का तो भाई मेरे को मारो, लेकिन किसी को मत मारो, उसके भी बाल बच्चे हैं, उसका परिवार है, नशा करके मत मारो। अगर कोई भाई है तो हमको बोलो, उसके ऊपर अपन कार्रवाई करेंगे, उसको समझाएंगे, नहीं समझे? ऐसा पहले हमको बोलो कि सर ये एरिया में ये भाई है। तो सबसे पहला यहाँ बुलाने का मकसद है कि शराब, मैं सबको हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जो मेरे से उम्र से बड़े हैं या उम्र से छोटे हैं, मेरे उम्र से, मैं 44 का हूँ मेरी उम्र, लेकिन जो मेरे से बड़े छोटे सभी को मैं हाथ जोड़ता हूँ कि भाई कोई भी नशा मत करो, चाहे वो शराब का हो, चाहे वो गांजा का हो, चाहे वो और क्या बोलते उसको, यमड़ी बिमड़ी क्या चाव चाव क्या अभी भूल गया, उससे पूरा परिवार हो जाता है। ये बोलने के लिए अच्छा है, नशा करने के लिए अच्छा है, लेकिन पूरा परिवार बाहर आता है। हम लोग पुलिस में नौकरी करते, ड्यूटी करते, देखते हैं पूरा घर उजड़ा है, बाल बच्चे घर के बाहर आ गए, घर में खाने के लिए दाना नहीं, और उसके बाद ये लोग मर जाते। गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपए दिया, उससे कुछ होने वाला है क्या? अरे होने वाला है क्या? जिस घर का शराब के कारण एक आदमी चला गया, उस घर में 1 लाख रुपए देके कितना दिन चलने वाला है? अरे कितना दिन चलने वाला? लेकिन वो थोड़ा थोड़ा भी काम करेगा तो उसका परिवार चलेगा, उसका घर